सर ये आपका बिल, इसमें सारा अमाउंट है। ₹10,000? जी सर। अरे भाई, सामान बेचना नहीं है, शिफ्ट करना है। और मैं तो तुम्हें यहाँ का लोकल समझ के लाया था, और तुम तो मुझे ही बना रहे हो। सर ₹10,000 मार्केट रेट है, आप चाहे तो पता कर लीजिए बाहर। और सर हम लोकल नहीं, हम बिहार से हैं। ओहो, बिहारी हो? बिहार से हो? जी सर। तो फिर ये तुम मूवरा पैकर के काम में क्या कर रहे हो? तुम लोग तो धोती पहनकर कंधे पर गमछा लगाकर मजदूरी करते हो, और तुमने तो मुंह में गुटखा भी नहीं लिया हुआ। तुम भी किन बातों में लग गए? इन्हें ये बताओ कि सामान शिफ्ट भी करना है कि नहीं। तुम्हें पता भी है कि बिहार में क्या सिचुएशन है? वहां तो दिन दहाड़े खड़े खड़े गोली चल जाती है। देखा है मैंने फिल्म्स और वेब सीरीज में, वहाँ गोली तो ऐसे चलती जैसे बच्चों का खेल हो। पता नहीं वहाँ के लोग रहते कैसे। अरे रितु, इन लोगों पे इतना भरोसा मत करो, बिहारी है ये, बिहार से है। पता नहीं कल किसी को टपका के आया हो शायद। सर एक बात कहें, जब तक आपको पता नहीं था कि हम बिहार से हैं, तब तक तो आप बड़ी तहजीब से बात कर रहे थे। लेकिन जब आपको पता चला है कि हम बिहार से हैं, तब आप लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया हमारे प्रति। तो फिर क्या गलत बोल दिया इन्होंने? जो बोला सच ही तो बोला, यही सब तो होता है बिहार में। नहीं मैम, सिर्फ ये सब नहीं होता वहां पर, और भी कई चीज है बिहार की। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है मैडम, आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है। आप बिहार के बारे में बहुत कम जानते हैं और बहुत अधूरा जानते हैं। आप लोग पूरा सच नहीं जानते बिहार के बारे में। क्या सच भाई, हमें भी बता दे, हम भी सुन लेते हैं तेरा पूरा सच। सर बिहारी को जानने के लिए सबसे पहले बिहार को जानना बहुत जरूरी है। बिहार राजा जनक का बिहार, बिहार माता सीता का, गौतम बुद्ध का बिहार, बिहार बाबू कुंवर सिंह का, बिहार चाणक्य का। आपको पता है मैडम, बिहार मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। एक वक्त था कि बिहार सबसे टॉप पर था शिक्षा के केंद्र में। हम बिहारी लोग बड़े आम और बड़े क्या कहते हैं उसको, डाउन टू अर्थ होते हैं। हम छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं बिहार में। बस हाँ, ये बात सच है कि करप्शन के चलते, राजनेताओं के चलते और दबंगबाजों के चलते थोड़े दबे दबे रहते हैं। लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती है, घर डूबते हैं और फसल बर्बाद होती है। लेकिन हम बिहारी कभी हार ही नहीं मानते। बाढ़ जाने के बाद फिर खड़े उठते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर फसल उगाते हैं और अगले साल फिर से बाढ़ का इंतजार करते हैं और आने वाली मुसीबत के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी न्यूज चैनल वाले ये सब नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें इन सबसे टीआरपी नहीं मिलती ना। टीआरपी तो मिलती है कि आज हीरोइन ने क्या करा, हीरो ने आज कौन से कपड़े पहने, या फिर आज वो कहां कौन से एयरपोर्ट में जा रहे हैं। बिहार के बारे में हमेशा सब भूल जाते हैं, हम लोगों को हमेशा साइडलाइन रख दिया जाता है, फिर भी कभी उफ तक नहीं किया। हमेशा अपनी मुसीबतों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे, खुद को मजबूत बनाए, तभी बिहारी कहलाते हैं। और तो और, एक आप क्या कह रहे थे, हाँ कि झोला उठा के चल के आ जाते हैं यहाँ पर। झोला उठा के नहीं चल के आते सर, काम करने आते हैं, मेहनत करने आते हैं और पैसा कमाने आते हैं। एक गरीब बाप, एक गरीब किसान अपने बेटे को दिल्ली भेजता है ताकि पढ़ लिख के वो उसकी गरीबी मिटा सके, अपने परिवार को एक अच्छा कल दे सके, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, सारा पैसा अपने बुढ़ापे को ना देकर अपने बेटे को देता है ताकि वो उसका कल अच्छा बना सके। और अब बात रही हमारी, तो हम बिहार से दिल्ली आए हैं ताकि सिविल करेक्ट कर सके, जो कि हम करेंगे। और ये तो हम सब पार्ट टाइम करते हैं ताकि अपने बाबूजी को थोड़ा सहारा दे सके पैसों के प्रति। जो गरीबी से बोझ तले वो जी रहे हैं ना, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटा सकूं ताकि हमारी बहन भी अच्छे स्कूल में जा सके।
बस यही था। और जो कि आप सोचते हैं कि फिल्मों में और जो वेब सीरीज में जिस तरह बिहार को दिखाया जाता है, नहीं मैडम, एक बार खुली आंख से बिहार को देखिए, बिहार को बिहार में जाकर देखिए, बड़ा सुंदर नजर आएगा, लोग आपको बड़े प्यारे नजर आएंगे, आपका स्वागत करेंगे लिट्टी चोखा के साथ और थोड़ा सा प्यार के साथ। ठीक है सर, चलते हैं, और रेट तो 10,000 रुपये ही रहेगा, आप चाहे तो मार्केट में पता कर लीजिए। शुक्रिया। सर ये आपका बिल, इसमें सारा अमाउंट है। ₹10,000? जी सर। अरे भाई, सामान बेचना नहीं है, शिफ्ट करना है, और मैं तो तुम्हें यहाँ का लोकल समझ के लाया था, और तुम तो मुझे ही बना रहे हो। सर 10,000 रुपये मार्केट रेट है, आप चाहे तो पता कर लीजिए बाहर। और सर हम लोकल नहीं, हम बिहार से हैं। ओहो, बिहारी हो, बिहार से हो? जी सर। तो फिर ये तुम मूवर और पैकर के काम में क्या कर रहे हो? तुम लोग तो धोती पहनकर कंधे पर गमछा लगाकर मजदूरी करते हो, और तुमने तो मुंह में गुटखा भी नहीं लिया हुआ। तुम भी किन बातों में लग गए, इन्हें ये बताओ कि सामान शिफ्ट भी करना है कि नहीं। तुम्हें पता भी है कि बिहार में क्या सिचुएशन है, वहां तो दिन दहाड़े खड़े खड़े गोली चल जाती है, देखा है मैंने फिल्म्स और वेब सीरीज में, वहाँ गोली तो ऐसे चलती है जैसे बच्चों का खेल हो, पता नहीं वहाँ के लोग रहते कैसे। अरे रितु, इन लोगों पे इतना भरोसा मत करो, बिहारी है ये, बिहार से है, पता नहीं कल किसी को टपका के आया हो शायद। सर एक बात कहें, जब तक आपको पता नहीं था कि हम बिहार से हैं, तब तक तो आप बड़ी तहजीब से बात कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता चला है कि हम बिहार से हैं, तब आप लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया हमारे प्रति। तो फिर क्या गलत बोल दिया इन्होंने? जो बोला सच ही तो बोला, यही सब तो होता है बिहार में। नहीं मैम, सिर्फ ये सब नहीं होता वहां पर, और भी कई चीज है बिहार की। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है मैडम, आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है। आप बिहार के बारे में बहुत कम जानते हैं और बहुत अधूरा जानते हैं, आप लोग पूरा सच नहीं जानते बिहार के बारे में। क्या सच भाई, हमें भी बता दे, हम भी सुन लेते हैं तेरा पूरा सच। सर बिहारी को जानने के लिए सबसे पहले बिहार को जानना बहुत जरूरी है। बिहार राजा जनक का बिहार, बिहार माता सीता का, गौतम बुद्ध का बिहार, बिहार बाबू कुंवर सिंह का, बिहार चाणक्य का। आपको पता है मैडम, बिहार मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। एक वक्त था कि बिहार सबसे टॉप पर था शिक्षा के केंद्र में। हम बिहारी लोग बड़े आम और बड़े क्या कहते हैं उसको, डाउन टू अर्थ होते हैं। हम छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं बिहार में। बस हाँ, ये बात सच है कि करप्शन के चलते, राजनेताओं के चलते और दबंगबाजों के चलते थोड़े दबे दबे रहते हैं। लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती है, घर डूबते हैं और फसल बर्बाद होती है, लेकिन हम बिहारी कभी हार ही नहीं मानते। बाढ़ जाने के बाद फिर खड़े उठते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर फसल उगाते हैं, और अगले साल फिर से बाढ़ का इंतजार करते हैं और आने वाली मुसीबत के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी न्यूज चैनल वाले ये सब नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें इन सबसे टीआरपी नहीं मिलती ना। टीआरपी तो मिलती है कि आज हीरोइन ने क्या करा, हीरो ने आज कौन से कपड़े पहने, या फिर आज वो कहां कौन से एयरपोर्ट में जा रहे हैं। बिहार के बारे में हमेशा सब भूल जाते हैं, हम लोगों को हमेशा साइडलाइन रख दिया जाता है, फिर भी कभी उफ तक नहीं किया, हमेशा अपनी मुसीबतों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे, खुद को मजबूत बनाए, तभी बिहारी कहलाते हैं। और तो और एक आप क्या कह रहे थे, हाँ कि झोला उठा के चल के आ जाते हैं यहां पर, झोला उठा के नहीं चल के आते सर, काम करने आते हैं।
मेहनत करने आते हैं और पैसा कमाने आते हैं। एक गरीब बाप, एक गरीब किसान अपने बेटे को दिल्ली भेजता है ताकि पढ़ लिख के वो उसकी गरीबी मिटा सके, अपने परिवार को एक अच्छा कल दे सके, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, सारा पैसा अपने बुढ़ापे को ना देकर अपने बेटे को देता है ताकि वो उसका कल अच्छा बना सके। और अब बात रही हमारी, तो हम बिहार से दिल्ली आए हैं ताकि सिविल क्रैक कर सके, जो कि हम करेंगे, और ये तो हम सब पार्ट टाइम करते हैं ताकि अपने बाबूजी को थोड़ा सहारा दे सके पैसों के प्रति, जो गरीबी से बोझ तले वो जी रहे हैं ना, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटा सकू ताकि हमारी बहन भी अच्छे स्कूल में जा सके। बस यही था। और जो कि आप सोचते हैं कि फिल्मों में और जो वेब सीरीज में जिस तरह बिहार को दिखाया जाता है, नहीं मैडम, एक बार खुली आंख से बिहार को देखिए, बिहार को बिहार में जाकर देखिए, बड़ा सुंदर नजर आएगा, लोग आपको बड़े प्यारे नजर आएंगे, आपका स्वागत करेंगे लिट्टी चोखा के साथ और थोड़ा सा प्यार के साथ। ठीक है सर, चलते हैं, और रेट तो 10,000 रुपये ही रहेगा, आप चाहे तो मार्केट में पता कर लीजिए। शुक्रिया।